नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब से कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, तब से ही वे पाकिस्तान प्रेमी हो गए हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से विवाद को हवा दे दी है। करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने पाकिस्तान पहुंचे सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के उन बयानों पर मुहर लगा दी है कि नवजोत सिंह सिद्धू देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, सिद्धू के इन बयानों से उनके खुद पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी खड़े हो रहे हैं, जो बार बार पाकिस्तान के समर्थन में बयान देने वाले नेता को अपनी पार्टी में रखे हुए हैं। जिसके बाद बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारत का दुश्मन सिद्धू का भाई है, और पिछले दरवाजे से क्या सिद्धू और कांग्रेस पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। सिद्धू के इस बयान के क्या है मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर जागा सिद्धू का पाक प्रेम। भारत का दुश्मन है सिद्धू का भाई, सिद्धू और कांग्रेस कर रहे पाक की मदद। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में क्या शामिल हुए, उनका आतंकवादी मुल्क के नेताओं से प्यार और भाईचारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता सिद्धू की ओर से पाकिस्तान के समर्थन में आया बयान कोई नई बात नहीं है। सिद्धू पिछली बार भी जब पाकिस्तान गए थे तो करतारपुर कॉरिडोर खोलने के मुद्दे पर पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा से गले मिले थे। इसके बाद उनका कड़ा विरोध हुआ था। ऐसे में उनके आज के दौरे पर सभी की नजरें टिकी थी। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को अपने साथ 18 नवंबर को ही श्री करतारपुर साहिब दर्शन के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन सिद्धू अपने समर्थक गुट के साथ जाने के इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने अलग से जाने की योजना बनाई। अब आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान पहुंचे सिद्धू का वो बयान जिसने भारत की सियासत में बवाल मचा दिया है। जान लगे सिर्फ एक गल कहनी है, मुर्शद अपने दे दर ते मंगण आया एहो मुराद, साडी झोली पा साईयां अमन ते इतिहाद, जीवन सब मावां दे बचड़े बापुआं दे दिल शाद, अमन शांति ते आपसी भाईचारे दी बाबे नानक दी विचारधारा सदा रहे आबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्धू साहब वेलकम, वेलकम कौन कर रहे हैं सिद्धू साहब? पार्टी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री चन्नी ने सिद्धू को अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन सिद्धू तैयार नहीं हुए। इस पर चन्नी सरकार ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष और आप विधायक हरपाल सिंह चीमा के साथ जाने की सलाह दी, लेकिन इस पर चीमा ने इनकार कर दिया। वे अपने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान और अन्य आप विधायकों के साथ श्री करतारपुर साहिब जाने की तैयारी कर चुके थे। पाकिस्तान पहुंचे सिद्धू के इमरान खान पर आए बयान पर भारत में सियासत गर्मा गई है और सिद्धू पर भी अब विरोध की तलवार लटकने लगी है। ये कांग्रेस के वही सिद्धू हैं जिन्होंने पिछले साल पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाया था। ये कांग्रेस के वही सिद्धू हैं जिन्होंने एक बार फिर भारत के दुश्मन इमरान खान को बड़ा भाई कहा है। ये कांग्रेस के वही सिद्धू हैं जिन्होंने सरहद पर भारत के जवानों को शहीद करने वाले मुल्क पाकिस्तान के राग अलापे हैं। जिसके बाद दो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि पाकिस्तान के राग अलापने वाले सिद्धू के खिलाफ अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा हमेशा की तरह ऐसे ही चुप्पी साधे रखेंगे, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान से प्रेम करने वाले सिद्धू को भारत छोड़ पाकिस्तान भेजने का सही समय आ गया है, यानी कि सिद्धू को अब देशद्रोही साबित करने का समय आ गया है क्या? इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।